यमन में आखिर क्यों मचा है हाहाकार? सऊदी गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों की जंग में अभी तक कितने लोगों की जान चली गई है, और हमास ने किसे दी खूनी अंजाम की वार्निंग? वर्ल्ड वॉर की आहट से जुड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए न्यूज टॉप 9 विध्वंसक विश्व। यमन में सऊदी गठबंधन की सेना और हूती विद्रोहियों में भीषण जंग जारी है। यमन के मारिब और शावा में गठबंधन फौज ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमों की जबरदस्त बौछार की। इस स्ट्राइक में 58 हूती विद्रोही मारे गए हैं। यमन में सऊदी गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जारी जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुका है। मारी प्रांत हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जासूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। गठबंधन सेना इस ड्रोन की मदद से हूती ठिकानों की टोह ले रही थी। यमन के युद्ध में बीते 24 घंटे में सऊदी गठबंधन के 15 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। तो इस जंग में अब तक 1,03,000 लोगों की जान गई। इसी महीने मारिब में करीब 400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से हिंसा। इसराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन हमास ने बदला लेने और अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमास ने चेतावनी दी है कि वो अपने लोगों की मौत का बदला लेकर रहेगा। ताइवान के समुद्री क्षेत्र में ब्रिटिश नेवी और पीएलए के बीच तनाव और गहराता जा रहा है। पीएलए ने ब्रिटिश फ्रिगेट की मौजूदगी को क्षेत्र में शांति और स्थिरता के खिलाफ बताया है। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। रूस के फाइटर विमानों ने प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिकी एक बॉम्बर विमान को रोक लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 3SU-35S लड़ाकू विमानों ने एक USB-52H बॉम्बर को रोका है। रूस और मंगोलिया में जबरदस्त वॉर ड्रिल जारी है। मंगोलिया में करीब 1500 जवानों ने इस युद्धाभ्यास में एक्शन दिखाया, तो रशियन फौज की बारूदी दहाड़ भी प्रचंड है। इस वॉर एक्सरसाइज पर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये ड्रिल आतंक के खिलाफ अभियान है। अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी CIA ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के अपहरण और हत्या की साजिश रची थी। डेली मेल की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। 2017 में जब माइक पोम्पियो CIA के निदेशक थे, असांज के प्लेन को शूट डाउन करने का प्लान था। चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की आशंका ने फिर जोर पकड़ लिया है। WHO ने कोरोना ओरिजिन के नए सिरे से जांच का मन बनाया है। UN में सवाल उठने पर WHO ने जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। WHO के इस कदम ने चीन की बेचैनी फिर बढ़ा दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।